चौधरी और ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एक बार जोरदार ध्वनि के साथ आइए, उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करें। वी फील प्राउड लेडीज एंड जेंटलमैन इन दिस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो ग्रेसिंग द ओकेजन। Missions are also connected with us live from different parts of the world. Let's put our hands together to welcome all those dignitaries who are connected virtually with us. Iske alawa desh mein bhi alag alag hisson se hamare krishi vigyan kendra, FPOs, startups, किसान भाई बहन और इंडस्ट्री के लोग बड़ी संख्या में वर्चुअली इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस आयोजन में हमसे जुड़ने के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारे। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सभी को नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष माननीय श्री पीयूष गोयल जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए अनेक देशों के माननीय कृषि मंत्रीगण, राजदूतगण, एग्री स्टार्टअप्स, वैज्ञानिक और आज वर्चुअल रूप से विश्व भर में भारतीय दूतावासों से जुड़े समस्त महानुभाव, देश में कृषि विज्ञान केंद्र ICR के संस्थान FPOs से वर्चुअल रूप से जुड़े हजारों हजार की संख्या में उपस्थित सज्जनों, बहनों और मीडिया के मित्रों, आज मिलेट्स ईयर का शुभारंभ उत्सव है। मिलेट्स के विषय को लेकर जब भी कोई सवाल आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही उत्साह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आज मिलेट्स उत्सव का दिन है, विश्व भर के लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी उनकी उदारता पूर्वक उपस्थिति निश्चित रूप से हम सब लोगों का उत्साह वर्धन करती है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हजारों हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। सारी दुनिया इस बात की साक्षी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लगभग उसी मात्रा में समूचे विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति हो और विश्व के सामने जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनका समाधान हो सके, इसके लिए भी उनका सद प्रयत्न हमेशा रहता है।
वसुदेव कुटुंबकम भारत की अवधारणा है और उस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए वो अपने जीवन का एक एक पल पूरा समर्पित करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला उसके बाद देश की समस्याओं के समाधान के लिए छोटे गैप्स को भरने के लिए उन्होंने योजनाओं का सृजन किया, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया, उससे भारत की निश्चित रूप से ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ ही भारतीय विधा भारतीय योग था। प्रधानमंत्री जी की हमेशा से मान्यता रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी भी उपलब्ध करा दें लेकिन अगर रोग बढ़ते रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाएं हमेशा कम ही पड़ेंगी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की हमेशा ये कोशिश रही कि रोग कम से कम हो, इसका प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसलिए देश में भी स्थान स्थान पर वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ और ठीक उसी दिशा में विश्व की दृष्टि से विश्व को योग के महत्व को समझाया। और मुझे प्रसन्नता भी है और गौरव भी है कि सारी दुनिया ने प्रधानमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और योग को अपनाया, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते रहते हैं कि हमारे देश का और दुनिया का जो छोटा किसान है, जो वर्षा आधारित खेती करता है, उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आज लोगों के पास खाद्यान्न की प्रचुरता तो है लेकिन भोजन की थाली में जो पोषकता का अभाव है उस अभाव को भी भरने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स यानी मोटा अनाज, पोषक अनाज, और अब बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न कहकर इस मोटे अनाज को जो प्रतिष्ठा दी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस श्री अन्न को भोजन की थाली में प्रतिष्ठा मिले और हमारे छोटे किसान की ताकत बढ़े, मिलेट्स की खेती प्रोत्साहित हो, मिलेट्स के उपभोग के लिए लोग आगे बढ़ें, इस दृष्टि से 2018 में मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्ष भर कार्यक्रम किए गए, परिणाम स्वरूप मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा, उत्पादकता भी बढ़ी और मिलेट्स की मांग भी बढ़ी। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलेट्स की विशेषता बताते हुए मिलेट्स के महत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया और मुझे कहते हुए गौरव है कि दुनिया के 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएन ने 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। उसका शुभारंभ आज हम सब लोग कर रहे हैं। मिलेट्स निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलेट्स में पोषक तत्व हैं, मिलेट्स की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है, मिलेट्स की खेती में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आदानों की जो लागत में कमी आनी चाहिए वो भी मिलेट्स की खेती से आती है। और मिलेट्स की खेती जहाँ होती है तो मिलेट्स का पौधा निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में योगदान करता है। मिलेट्स आधारित जो उत्पाद हैं उनके प्रयोग से मनुष्य की भोजन की थाली में और उसके जीवन के खान पान में जो पोषक तत्वों का अभाव है वो भी भरा जाता है। और साथ ही साथ
यह मिलेट्स की खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करने के काम में आती है। 2023 मिलेट्स ईयर है। इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में पूरी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, आयातक निर्यातक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, भोजन बनाने वाले महानुभावों के साथ और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में सब ने मिलकर इसको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और आज मैं समझता हूँ कहीं भी देश में बात चलती है तो मिलेट्स की बात जरूर आती है। और मुझे कहते हुए गौरव है, जब इस बार भारत का बजट प्रस्तुत हुआ तो उसमें भी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद व विश्व स्तरीय उत्कृष्ट संस्थान बने इसकी भी घोषणा की गई और मिलेट्स को श्री अन्न कहकर जो सम्मान दिया वो आप सब लोगों के सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज का यह दिन और मिलेट्स ईयर 2023 यह इतिहास में हमेशा साक्षी रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी आज एक डाक टिकट भी और एक सिक्का भी जारी करेंगे, जिससे आने वाले कल में पीढ़ियां इस बात को याद रखे कि 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। आज मैं इस मौके पर आप सब लोगों की ओर से पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी का और विदेशों से जो हमारे मेहमान आए हैं उन सब का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद।